हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकंड स्टैंडर्ड मैथ्स लर्निंग। टुडे वी शैल लर्न लेसन नंबर 8, टेंस एंड वंस रिवीजन। लेट्स बिगिन। हाउ मच मनी डू द नोट एंड कॉइन्स मेक, कि यहाँ पर कॉइन्स और नोट दोनों मिला के कितने रुपीज़ होते हैं, कितने पैसे होते हैं, वो यहाँ पर हमें लिखने के है। तो फर्स्ट वन आपको यहाँ पर दिखाया है 10 + 10 + 10, 3 नोट्स है, तो 10 + 10 + 10 कितने रुपीज़ हो गए, 30। ऐसे यहाँ 10 + 10 = 20, 21, 22 and 23, 1 रुपीज़ के कॉइन ये 3 है और 20 रुपीज़ ये, तो 23। नेक्स्ट यहाँ पर है कितने सिक्के है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर कितने रुपीज़ हो गए, 10। यानी कि ये पूरे रुपीज़ की कितनी नोट बन सकती है, 110 रुपीज़ की नोट बन सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है 10 रुपीज़ ये, ये दोनों मिलाकर 20 हुए और 1 रुपीज़ के ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टोटल ये 1 रुपीज़ के कॉइन और 20 ये, तो टोटल कितने हो गए, 27 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पर है 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 10 = 40, तो 40 रुपीज़ तो ये हुए और नेक्स्ट यहाँ पर 1 रुपीज़ के कॉइन 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 रुपीज़ ये और 40 रुपीज़ ये, 40 + 5 करो तो कितने हो गए, 45। विच कार्ड विल ही हैव इन हीज पॉकेट इफ ही हैज़ काउंटेड अप टू, यहाँ पर जो आपको दिया है उसको काउंट में से नंबर को डिवाइड करने का है। तो फर्स्ट वन यहाँ पर 23, तो 10 + 10 यानी कि 20 के कार्ड हो गए और 1 रुपीज़ का ये कार्ड, तो टोटल हो गए 23। यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर पहले जो आगे का 4 है, तो 4 रुपीज़ का 10 कार्ड बनाएंगे तो कितने हो गए, 40 हो जाएंगे, 1, 2, 3 and 4, ये 10 रुपीज़ के 4 कार्ड हो गए। अभी 7 वाले ऐसे 1 बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ये टोटल हो गए 47। यहाँ पर नीचे 55, तो पहले 5 कार्ड बनाएंगे 10 रुपीज़ का, 1, 2, 3, 4 and 5। अभी नेक्स्ट यहाँ पर और 5 कार्ड बनाएंगे 1 रुपीज़ के, 1, 2, 3, 4 and 5, यहाँ पर ऐसे है नीचे 63, तो 6 कार्ड बनाएंगे पहले 10 रुपीज़ का, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, यहाँ पर 3 कार्ड बनाएंगे 1 रुपीज़ का, 1, 2 and 3, तो टोटल हो गए 63। ऐसे 72 और 80 कार्ड भी आपको करने का है। थैंक यू।